हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका एंड दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू सीटेट एंड अदर टेट्स एग्जाम। अगर आप टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी टेट्स है, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि हमारे चैनल पे फिलहाल एनसीईआरटी बुक कवर कराई जा रही है, जो टेट्स एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो और भी जरूर जुड़िए, क्योंकि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी बुक डायरेक्ट कवर कराई जा रही है, और साथ में मैं पैडागोजी सेशन भी लेके चल रही हूँ, जो कोई से भी टेट्स हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पे जो आज देख रहे हैं, ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जो सीटेट एग्जाम से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चंस इससे जरूर आते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इसे समझने की कोशिश करें। ये जिन पियाजे के पार्ट 1 लाई हूं मैं, और पार्ट 2 मैं तुरंत लेकर आऊंगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस मैं दूंगी जो जिन पियाजे पे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। इससे क्या होगा कि आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहूँगी, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है जिन पियाजे, और इनकी जो जन्म हुई थी वो है 1896 में, और मृत्यु इनकी हुई थी 1918 में। ठीक है, एक बार दोहरा रही हूँ, इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इनसे जो है बर्थ डेट ऑफ बर्थ क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, तो 1896 में इनका जन्म है और 1918 में इनका मृत्यु है। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, फिगर मैं इसलिए दिखा दूँ कि क्योंकि आप लोगों को थोड़ा माइंड सेट हो जाए कि इस टाइप के दिखने में थे। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पहले आप ये नोट डाउन करिएगा कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वो थे जेन पियाजे। आगे बढ़ते हैं। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यानी कोई भी व्यक्ति है, उसका जो बचपन होता है ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है, क्योंकि बचपन से ही बच्चा जो है धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है, वातावरण के साथ समायोजन करता है, और उससे वो प्रतिक्रिया करके बहुत कुछ सीखता है। इनका कहना यही है। आगे पढ़ते हैं। पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था के सिद्धांत भी कहलाता है। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कीजिएगा। पहला संज्ञानात्मक विकास, दूसरा इसको हम कह सकते हैं विकासी अवस्था के सिद्धांत। क्वेश्चन में आपको जो है एग्जाम में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, विकासी अवस्था का सिद्धांत भी आएगा तो उसके प्रतिपादक जेन पियाजे ही हैं, और संज्ञानात्मक विकास भी आएगा तो उसके भी प्रतिपादक जेन पियाजेट ही हैं। आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में बताता है। क्या बताता है? तो यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में, इसे भी आपको नोट डाउन करना है, और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक करके जोड़ता है, और कैसे इसका उपयोग करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से उसे समझने की कोशिश करता है, तथा संबंधित वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चित्रण करता है। यानी इनका कहना है कि कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसके बारे में पहले सोचता है, उसे उस पर विचारता है, उसके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, या कोई भी उसे व्यक्ति वस्तु से मिलना जुलना है, जो भी आप रख सकते हैं एग्जाम्पल के स्वरूप, तो इसके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस पर चिंतन करता है, उसे पहचानने की कोशिश करता है, उसके बाद उसका जो है वो कोई भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहां से भी आपको नोट डाउन टोटल कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। उक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान का भंडार होता है। ठीक है, जैसा कि अगर उसके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आता है, अगर उसे फेस कर लेता है तो उसके पास उसको फेस करने की क्षमता आ जाती है, समझ आ जाती है। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं यहाँ पे, या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। यानी जैसे अगर कोई व्यक्ति है, किसी जितना ही उसको प्रॉब्लम्स है या किसी प्रकार की अगर कार्य है, उसे वो करने की क्षमता रखता है, तो ये उसके व्यवहार को भी निर्देशित करती है, इनका यही कहना है। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों से प्रवाहित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता है, पहले उन
उद्दीपकों को पहचानता है, ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि उनके बीच का वो कार्य करता है, उनके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आई उसको वो पहले समझता है, उसे ग्रहण करता है, उसके बारे में वो एक्सप्लेन करके समझता है, फिर उस पर वो कार्य करता है। इस प्रकार उसका क्या होता है, उसके ज्ञान में परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी बीच में कौन हुआ, तो वो व्यक्ति हुआ। तो यही कह रहा है कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य है। इसे आप नोट डाउन कीजिएगा, फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीन प्याजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया है, यानी इनका क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, इन्होंने बहुत मेहनत करके इसका अध्ययन किया है। प्याजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार के स्वरूप विकास के प्रत्येक अवस्था में बदलता है, यानी बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका प्रत्येक अवस्था बदलता है, उसी के अनुसार वो सीखता है और उसी के प्रकार वो ज्ञान का अर्जन करता है। और आगे दिया है, परामर्जित होता रहता है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी इनके सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे भी आप नोट डाउन कीजिएगा। क्योंकि उनके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। जितने सिद्धांत थे उनको पहले आप लिखिएगा और एरो देके आप उनके सामने जो है जीन पियाजेट का नाम रखिएगा, ठीक है। इनका सिद्धांत एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है, इसे आप जरूर नो डाउन कीजिएगा। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, अब इनकी अवस्था क्या है, किन किन चरणों में इन्होंने बांटा है, इसको अब मैं ये दिखाऊंगी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को चार अवस्थाओं में विभाजित किया, इसे भी आप नोट डाउन कीजिएगा, इसलिए क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जीन पियाजे की ने कुल कितने वर्गों में अपनी अवस्थाओं को विभाजित किया है, तो वो है चार। पहला जो है वो है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर बोलते हैं। ये जन्म से दो वर्ष तक रहता है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तब से दो वर्ष तक उसकी सेंसरी मोटर की अवस्था होती है, ठीक है। दूसरा है इनका प्री संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल, इसे हम ये है आपको दो से लेकर सात वर्ष तक। तीसरा जो है मूड संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, ये है 7 से 11 वर्ष तक। आप इसे ऐसे याद रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और दूसरा है मूड संक्रियात्मक अवस्था। अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो इसमें जो पूर्व है उसमें प्री लगा हुआ है, सेकंड वाले में नहीं लगा हुआ है, यही आप याद कीजिएगा। प्री जहां लगेगा समझ लीजिएगा ये 2 से 7 वर्ष तक है, और मूड संक्रियात्मक अवस्था अगर पूछ दिया तो ये 7 से 11 है, और जो चौथा है ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल, ये है 11 से 15 वर्ष तक, ठीक है। लास्ट इन्होंने कब तक दिया है, 15 वर्ष तक। तो पहला इनका जो है संवेदी पेशीय अवस्था, जो जन्म से दो वर्ष तक है, इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। मतलब बच्चा अभी जो वातावरण के साथ समायोजन करना स्टार्ट किया है और वे शारीरिक और जितनी वो संवेदनाओं का जो है उन्हीं के प्रति प्रतिक्रिया करता है, वो सामाजिक क्रियाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि उनका जो है अभी उतना सेंस नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया है बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके प्रति भीतर सहज क्रियाएं यानी रिफ्लेक्शेस होती हैं। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे जो है इन सब चीज़ों को बीच में अंतर समझने लगता है, उसका अर्थ समझने लगता है। यानी जैसे अगर उसकी मदर उसे गोद ली हुई है, उससे उसकी गोद से अगर कोई और लेता है तो उनके बीच में वो स्पर्श क्या है उनका डिफरेंस ये समझ लेता है। आवाज़ पहुँच जाने लगता है धीरे धीरे, रसो मीठा खट्टा नमकीन इसके बारे में समझने लगता है, और सुगंधित चीज़ों के बारे में या बदबूदार चीज़ों के बारे में भी डिफरेंस वो धीरे धीरे करने लगता है। और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है, और उन्होंने इस अवस्था को 6 अवस्था में बांटा है। ये भी याद रखिएगा कि जो संवेदी पेशीय अवस्था है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है, इसे कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 6 अवस्था में बांटा गया है। यहाँ पे पहला जो है वो है सहज क्रियाओं की अवस्था, जो जन्म से
30 दिन तक है। हालांकि इतना डीपली पूछा नहीं जाता है, बट आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि सीटेट एग्जाम धीरे धीरे टफ होते जा रहा है, ठीक है। सेकंड जो है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, ये 1 माह से 4 माह तक है। तीसरा जो है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, ये 4 माह से 8 माह तक है। चौथा है गौण स्कीमेटा की समन्वयों की अवस्था, ये है 8 माह से 12 माह तक। पांचवा है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, ये 12 से 18 माह तक है। मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, ये 18 से 24 माह तक है। और ये अवस्थाओं जो है इसे आप सिर्फ नोट डाउन कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि इनसे भी अगर मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, इसके प्रतिपादक कौन है, तो जीन पियाजेट है, इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। अगला नेक्स्ट जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक स्वयं केंद्रित न होकर व स्वार्थी न होकर दूसरे के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। यानी अगर बच्चा जो है वो अगर फैमिली में रह रहा है तो सबके साथ समायोजन करने लगता है, संपर्क करने लगता है और धीरे धीरे कुछ सीखने लगता है। अब वो खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण, भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। यानी वो चित्र करता है, कोई भी अगर कुछ बोल रहा है तो उसे तुरंत वो रिपीट करता है, इनके द्वारा वो धीरे धीरे सीखने लगता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, यानी प्लस माइनस जो भी चीज़ है उसे वो धीरे धीरे सीखने लगता है। किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तथा तार्किक चित्र के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं, यानी उन्हें अभी इतना सेंस नहीं है कि वे किसी भी चीज़ के बारे में उसे तर्क वितर्क कर सके, ठीक है। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है, तो ये भी पूछ सकता है कि अनुक्रमणशीलता पाने वाली अवस्था कौन सी है या अनुक्रिया करने वाली अवस्था कौन सी है, तो वो है आपकी यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, याद रखिएगा, फिलहाल नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है, यानी धीरे धीरे वो काफ़ी ज़्यादा भूलने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा कार्य करने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा सीखने लगते हैं। इस अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण 2 प्रकार के होने से इसे 2 भागों में बांटा गया है, यानी ये 2 प्रकार के होते हैं तो इसे 2 भागों में जीन पियाजेट ने बांट दिया है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष तक होती है। दूसरा है अंतर प्रज्ञ काल जिसे अंतर्दृष्टि अवधि कहते हैं, ये भी है 4 से 7 वर्ष तक। इन दोनों से क्वेश्चन इतना आने वाला नहीं है, बहुत होगा तो भाग पूछ देगा कितने भाग में बांटा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि प्राक संक्रियात्मक, इसमें जो है 2 वाले में इसमें फर्स्ट दिया गया है प्राक संक्रियात्मक, ठीक है। बालक संकेत तथा चिन्ह के मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं, यानी उसे बैठा लेते हैं दिमाग में। बालक निर्जीव वस्तुओं और सजीव वस्तुओं को समझने लगते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं। बालक संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है, ठीक है। ये किसमें है तो अंतर्देशीय अवधि के बीच में होता है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें क्या हो जाता है तो वे जो है किसी भी चीज़ को आत्मसात करने लगते हैं। इसमें दूसरा दिया गया है अंत प्रज्ञा काल, ठीक है, जिसमें दिया गया है बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटाव आदि सीख लेते हैं, संख्या प्रयोग करने लगता है, इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता। कुल मिलाकर यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि इसमें जोड़ घटाव के बीच में डिफरेंस करने लगता है, वो चीज़ करने लगता है, किसी भी भाषा का विकास तेजी से होने लगता है और सजीव निर्जीव के बीच में वो डिफरेंस करने लगता है। ये किन अवस्थाओं के अंदर होता है तो ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मेन यही है, ये छोटे छोटे जो भाग बांटे गए हैं इससे इतना नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछ देगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, उसमें आपको टिक करना है। यहाँ पे अब आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं, तो क्वेश्चन में आ सकता है कि किस अवस्था में बच्चे जो है विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं। यो वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, यानी अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी प्रकार की घटना हो रही है, तो उनके बीच वो जो है समानता करना सीख जाते हैं, भिन्नता करना सीख जाते हैं, ठीक है। भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण,
कर्मानुसार व्यवस्था किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। वह तर्क कर सकता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियम को सीख लेता है। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये किस अवस्था में टोटल आती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आगे बढ़ते हैं, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे औपचारिक अवस्था भी बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। यह अवस्था 12 वर्ष के बाद की है। इस अवस्था की विशेषता निम्न है। ठीक है, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास। तार्किक चिंतन कब करने लगता है बालक? तो औपचारिक या अमूर्त विकास की संक्रियात्मक की अवस्था में। समस्या समाधान करने की क्षमता आ जाती है। वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने लगता है और वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता भी इसमें आ जाती है। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता भी आ जाती है और विसंगतियाँ के संबंध में विचार करने की भी क्षमता आ जाती है। ये सबको आपको नोट डाउन करना है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कब से है? तो 12 वर्ष के बाद से है। और इस अवस्था को हम कहते क्या है? तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाएँ एवं संरचना। ठीक है, इनकी संरचना कैसी हुई है ये भी हम पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में मुख्यतः दो बातों को महत्वपूर्ण माना है। पहला संगठन, दूसरा है अनुकूलन। संगठन से तात्पर्य बुद्धि के विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क सभी संगठित होकर। ठीक है, एक बालक, उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया, एक बालक वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के बीच में संबंध में उसकी भिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक कार्य नहीं करती बल्कि एक साथ संगठित होकर कार्य करती है। वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन का ही परिणाम है। इसे भी आप नोट डाउन कीजिएगा। संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध में आंतरिक रूप से प्रवाहित करता है। अनुकूलन बाह्य रूप से प्रवाहित करता है। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कीजिएगा। अब यहाँ पे है बाहरी कड़ियाँ, जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्योंकि हमारा वीडियो अब हो रहा है लंबा। तो ये था आज की टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और अगर आपको अगर इसमें कोई डाउट रह जा रहा है तो मुझे क्वेश्चंस ज़रूर कीजिए मुझसे, जिसका मैं समाधान ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। मेरा जो है ट्राई मैं अभी कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को सीटेट जो है क्लियर करने में 100% मदद करूँ। अगर मेरे से कोई चीज़ छूटती भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जीन पियाजे की पार्ट टू लेके आ रही हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ जो इनमें है इनका जो और भी चीज़ है जिनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जिससे हम लोग जो है थोड़े डाउट में फंस जाते हैं, उसको सब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। तो चलिए, जाते जाते एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।